जोर करके बांटने की कोशिश की जा रही है। उस काले कानून के खिलाफ आज हम हाथ में हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं कि ये कानून हमें कबूल नहीं है, इसको वापस लेना होगा और हाल में वापस लेना होगा। आज हमारे दरमियान तस्वीर करने की कोशिश की जा रही है, ध्यान देने की जरूरत होगी तो हम ध्यान दें। जिस तरह से हमने लड़ाई चाहती है तो आफियत के साथ इस CAA बिल को वापस ले ले और इंसान को अमन सुकून के साथ इत्मीनान के साथ जीने दे। लोगों का ये कानून आने के बाद हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही नहीं पूरे दुनिया में पूरे हिंदुस्तान का नाम जो है बिल्कुल गलत मैसेज जा रहा है। हिंदुस्तान को लोग हेज निगाह और घटिया निगाह से देख रहे हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लोग झूठा कह रहे हैं। यहाँ तो बर्दाश्त नहीं होता है कि मेरा गृह मंत्री मेरा प्रधानमंत्री किसी दूसरे मुल्क में उसकी इज्जत को जो है दागदार किया जा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं अपने सरकार को ये कहना चाहता हूँ आफियत के साथ इत्मीनान के साथ कि आपके शान के अंदर कोई कमी नहीं होगी, आप आफियत के साथ इस बिल को वापस ले लीजिए और इस अमन अमान के साथ ये जोड़ते हैं कि यहाँ NRC आकर के रहेगा और हर हाल में आकर के रहेगा। एक तरफ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि कहीं NCR का कोई तस्करा नहीं है और कहीं डिटेंशन सेंटर बना हुआ नहीं है, एक तरफ हमारे गृहमंत्री साहब बार बार पार्लियामेंट के अंदर हो या आमसभा के अंदर हो ये आवाज़ लगाते हैं कि भाई NCR आकर के रहे और आकर के रहे, जोर लफ्जों में ये कहता है। तो हम किसके ऊपर यकीन करें आप बताइए, गृहमंत्री की बात को समझें या फिर प्रधानमंत्री की बात को समझें? ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये जब तक सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती है तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। सरकार ये कहती है कि हम एक इंच जो है अपने CAA के हुक्म से पीछे नहीं हटने वाले हैं। मैं ये सरकार को कहना चाहता हूँ न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सत्ता है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सत्ता है, न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और हमको ये कहना है कि ये मोदी योगी अमित शाह वाली हमको आज़ादी नहीं चाहिए, हमें चाहिए गांधी वाली आज़ादी जी। और ये क्या कहते हैं हमें चाहिए संविधान बाबा साहेब अंबेडकर वाली, और ये मोदी योगी वाली संविधान हमको नहीं चाहिए। जो 10वीं में फेल हो वो हिंदुस्तान को क्या चलाएगा, वो हिंदुस्तान में हुकूमत क्या करेगा? अरे जो पहले चाय मिलता था जब से मोदी सरकार आई हमें चाय में कभी स्वाद नहीं आया जी, क्योंकि चाय बनाने वाला ऑनर बदल गया। तो बेहतर तो ये है कि वो अपनी तानाशाही को ख़त्म करे, CAA NRC NPR को ख़त्म करे और हिंदुस्तान में एकता का माहौल बनाए। क्यों आप इस कानून से नाराज हैं क्या? जी बेहद नाराज है जी। ये जी कैसे नहीं जरूरत है जी। घबराना तो इसलिए है कि वो बोला कि भाई कोई भी हमारा शरणार्थी भाई अगर के हिंदुस्तान में आता है चाहे वो बुद्धि हो ईसाई नहीं हो कोई भी हो सबको नागरिकता हम देंगे जी। लेकिन इसमें जब मुसलमान का क्या कहते हैं जो आज़ादी में खून नहीं बहा कि अगर के मुसलमान साथ में नहीं होता तो ये हिंदुस्तान का हुकूमत नहीं चलता, अगर के हम जिन्ना वाली हुकूमत ढूंढते तो हम पाकिस्तान चली जाते, हमने गांधी वाली मतलब के क्या कहते हैं संविधान पर हमने गांधी वाली मतलब के क्या कहते हैं भाषा को अपना है, इसलिए हमें हिंदुस्तान में रहना है। और हमें हिंदुस्तानी नागरिकता होते हुए भी वो कहता कि तुम्हें नागरिकता दिया जाएगा, नागरिकता तुम्हारा चेक होगा क्या लगा दी चाचा जी। हमें इनको जो है आज़ादी चाहिए, सुकूनत चाहिए और चाहे वो सिख हो ईसाई हो हिंदू हो पारसी हो सब आपस में एक है एक बन के हम रहेंगे और कभी संविधान के खिलाफ हम भेदभाव नहीं करेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ मोहम्मद नूरुल्ला। मानव शिकायत मनाया गया है कहाँ से कहाँ तक जी? ये गनौरा से लेकर के और क्या कहते हैं मरौना तक इसमें इस मानव श्रृंखला में सारे धर्म इन्वॉल्व है जी जी। सब 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 धर्म है, सभी धर्म के लोग हैं चाहे वो हिंदी हो हिंदू हो ईसाई हो या किसी भी मजहब को मानने वाले हो सब भाई हमारे साथ है। और है कि भाई हमें NRC NPR से मुक्त करो जी। जी क्या नाम हुआ आपका? शंकर कुमार सिंह। यहाँ क्यों खड़े हैं? भारत सरकार के कारण जो नागरिकता कानून जो हुआ काला कानून उसके विरुद्ध में हम सारे एकजुट होकर खड़े हैं। किस तरह से आप खड़े हुए हैं? किस जगह है ये मामला? मामला गणेशपुर।